स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इक्विलेंट सेट्स की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और साथ में आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है शो दैट ओपन इंटरवल जीरो वन इज इक्विलेंट टू ओपन इंटरवल ए बी फॉर एवरी रियल नंबर ए एंड बी वेयर ए लेस देन बी ठीक है इसको आप दूसरे वे में भी लिख सकते हो शो दैट एनी ओपन इंटरवल इज़ इक्विलेंट टू ओपन इंटरवल जीरो वन ठीक है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई भी ओपन इंटरवल हो वो क्या होगा इक्विलेंट होगा ओपन इंटरवल जीरो वन के ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या करना है बेसिकली एक फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है जो आपका क्या हो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो ठीक है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जो जीरो वन आपका ओपन इंटरवल है उसको नेमिंग कर रहे हैं ठीक है लेट ए इज इक्वल टू जीरो वन ठीक है एंड बी इज़ इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी ठीक है जो फर्स्ट आपका जीरो वन इंटरवल है उसको ए नाम दे दिया और ओपन इंटरवल ए बी को कैपिटल बी नाम दे दिया ठीक है और ए आपका लेस देन बी है ठीक है और ए और बी आपके डिफरेंट होंगे सेम नहीं हो सकते ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्या करा एक मैपिंग ली है एफ ए टू बी डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए ठीक है यहाँ पे हमने करा क्या है ए आपकी डोमेन रखी है और बी आपकी कॉडोमेन रखी है ठीक है फंक्शन आपका ए के ऊपर लग रहा है और बी में आपकी जो इमेज एग्जिस्ट करेगी ठीक है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन रहा है ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स ठीक है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए ये हमने मैपिंग कैसे ली है अभी हम एक आर्टिकल करेंगे आर्टिकल नंबर फोर तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप की हमने मैपिंग क्यों ली है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने मैपिंग ली है उसको हमने क्या शो करना है वन वन शो करना है ऑन टू शो करना है ठीक है फोर वन वन एफ को वन वन शो करने के लिए हम क्या लेंगे ए में से दो एलिमेंट्स लेंगे एक्स वन एक्स टू और उनकी इमेज को क्या रख देंगे इक्वल रख देंगे ठीक है इमेज इक्वल रखने के बाद हम शो करेंगे कि वो एलिमेंट्स भी क्या, रहे X1 क्या रहे आ रहे हैं एक्स वन और एक्स टू क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं ठीक है लेट एक्स ऑन एक्स टू बिलोंग्स टू ए be any elements such that f of एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ठीक है f of एक्स की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स टू ठीक है ए से ए को कैंसल आउट कर देंगे ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा बी माइनस ए इंटू एक्स वन इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एक्स टू ठीक है तो हमारे पास बी माइनस ए आ रहा है ठीक है हमारे पास क्या बन जाएगा जैसे कि हम ए को ए से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या बन गया बी माइनस ए इंटू एक्स वन इज़ इक्वल टू क्या जाएगा बी माइनस ए इंटू एक्स टू ठीक है और हमें गिवन है कि बी जो है आपका ग्रेटर है ए से ठीक है तो मतलब जो b माइनस ए है वो क्या है ग्रेटर देन जीरो क्वांटिटी है ठीक है तो हम इसको डिवाइड कर दें डिवाइड कर दें बी माइनस ए के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स वन क्या जाएगा एक्स वन इज़ इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा ठीक है यही हमने शो करना था तो हमारे पास क्या बन गया हम x1 और x2 की इमेजेस इक्वल लेके चले और हमने प्रूफ कर दिया कि वो एलिमेंट्स भी क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं तो दैट इम्प्लाइज़ f आपका क्या बन गया वन वन हो गया ठीक है तो नेक्स्ट हमने क्या करना है f को ओन टू प्रूफ करना है ओन टू के लिए हम क्या करेंगे b में से एक एलिमेंट लेंगे ठीक है एलिमेंट लेंगे वो क्या होगा आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा ठीक है लेट वाई बिलोंग्स टू बी बी एनी एलिमेंट ठीक है और वाई अगर बी में से आ रहा है आपका बी में से आ रहा है तो मतलब क्या है कि वाई आपका लाई like किस में करेगा ए से लेके बी में लाई कर रहा होगा ठीक है तो आगे इसको हमने कैल्कुलेशंस करी हैं थोड़ी सी ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे एक ऐसा एलिमेंट बना देंगे जो आपका जीरो और वन के बीच में भी लाई like कर जाएगा ठीक है तो देखिए कैसे करा हमने हमने जो y लिया है वो क्या कर रहा है a और b में लाई कर रहा है तो हमने क्या करा a सब्ट्रैक्ट कर दिया ठीक है तो हमारे पास क्या बन गया जीरो लेस देन y माइनस ए लेस देन b माइनस ए ठीक है अब हमने b माइनस ए के साथ डिवाइड करा तो हमारे पास क्या बन गया जीरो लेस देन y माइनस ए ओवर b माइनस ए लेस देन वन ठीक है जो आपका y माइनस ए ओवर b माइनस ए आ रहा है वो क्या कर रहा है जीरो और वन में लाई कर रहा है ठीक है इसको हम क्या नाम दे देते हैं x नाम दे देते हैं ठीक है लेट x इज इक्वल टू वाई माइनस ए ओवर बी माइनस ए ठीक है और x आपका लाई कहाँ कर रहा है जीरो वन में लाई कर रहा है तो मतलब x आपका कहाँ पे आ रहा है a में बिलोंग कर रहा है ठीक है तो अब हमने क्या करा एफ ऑफ एक्स निकाला ठीक है x की इमेज निकाली एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू पुट कर दी y माइनस ए ओवर बी माइनस ए ठीक है तो हमने जब f y माइनस ए ओवर बी माइनस एव के ऊपर अप्लाई करा तो हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस वाई माइनस ए और बी माइनस ए इं टू बी माइनस ए ठीक है तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया वाई ठीक है तो वाई की हमें क्या मिल रही है एक प्री इमेज मिल रही है एक्स तो दैट इम्प्लाइज एफ आपका क्या बन गया ऑन टू हो गया ठीक है सेट इज इक्वल एंड टू बी मतलब जीरो वन ओपन इंटरवल जो जीरो वन है वो क्या है ओपन इंटरवल ए बी के इक्विलेंट आ रहा है मतलब आप कोई भी ओपन इंटरवल लो वो जीरो वन के इक्विलेंट हो जाएगा ठीक है अभी हम ये भी चीज़ प्रूव करेंगे कि आप कोई भी दो ओपन सेट लें ओपन इंटरवल ले लें यहाँ पे ए टू बी और सी टू डी ठीक है साथ में हम कंडीशन रखें कि ए नॉट इक्वल टू बी है और सी नॉट इक्वल टू डी है ठीक है तो ये दोनों सेट क्या होंगे इक्विलेंट होंगे ठीक है अभी हम आर्टिकल नंबर फोर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं आर्टिकल नंबर थ्री कर रहे हैं ठीक है हमने इक्विलेंट सेट जो देखा कि मतलब दो सेट्स हैं उसको इक्विलेंट शो कर सकते हैं अब इस रिलेशन को हम क्या प्रूफ करेंगे इक्विलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे मतलब ये रिलेशन आपका क्या है रिफ्लैक्सिव भी है सीमिट्रिक भी है और ट्रांजटिव भी है ठीक है रिफ्लेक्सिव में आपने क्या करना होता है कि आपके पास ए सेट है तो ए को ए के ही इक्विलेंट प्रूव करना है ठीक है मतलब ए से ए में इक्विलेंट प्रूव करना है तो आपने एक मैपिंग एग्जिस्ट करवानी है जो आपका क्या हो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो ठीक है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ए सेट ले रहे हैं कोई भी ठीक है अब हमने यहाँ पे इस रिलेशन को इक्विलेंट सेट वाले रिलेशन को क्या प्रूव करना है इक्विलेंस रिलेशन प्रूव करना है ठीक है तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है मतलब ए को ए का इक्विलेंट बनाना है ठीक है तो हम यहाँ पे एक मैपिंग एग्जिस्ट करवा रहे हैं आइडेंटिटी मैपिंग ठीक है आई ए टू ए डिफाइंड बाई आई एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए ठीक है आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा क्या होती है वन वन होती है ऑन टू होती है ठीक है तो दैट इम्प्लाइज ए क्या हो गया ए ए के इक्विवेलेंट हो गया ठीक है? So है तो दैट इम्प्लाइज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या करना हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है सिमेट्रिक में हमने क्या करना है अगर ए बी के इक्विवेलेंट आ रहा है तो हमने शो करना है कि बी भी जो होगा वो ए के इक्विलेंट होगा ठीक है तो यहाँ पे हमें गिवन है ए बी के इक्विलेंट है ठीक है इक्विलेंट है तो हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही होगी एफ ए टू बी ठीक है जो क्या होगी वन वन भी होगी और ऑन टू भी होगी ठीक है अगर एफ़ वन वन ऑन टू है तो मतलब एफ़ का क्या हो रहा होगा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा ठीक है अगर एफ़ का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ़ का इनवर्स कहाँ से कहाँ पे जाएगा ए बी से ए पे जाएगा ठीक है दैट इम्प्लाइज देर एग्जिस्ट इनवर्स मैप एफ़ इनवर्स बी टू ए विच इज़ ऑल्सो वन वन एंड ऑन टू ठीक है अगर एफ़ आपका वन वन ऑन टू है ए टू बी तो आपका जो एफ़ का इन्वर्स आएगा एफ़ इनवर्स वो बी टू ए पे क्या होगा वन वन ऑन टू होगा ठीक है तो हमारे पास एक मैपिंग एग्जिस्ट करगी एफ़ इनवर्स जो क्या आ रही है वन वन भी है और ऑन टू भी है ठीक है वो बी से ए बी टू ए आपका क्या कर रही है वन 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 टू आ रही है तो दैट इम्प्लाइज बी आपका ए के क्या हो गया इक्विलेंट हो गया ठीक है तो मतलब जो ये रिलेशन हुआ वो क्या बन गया सिमेट्रिक बन गया तो नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है ट्रांजिटिव प्रूव करना है ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं अगर ए बी के इक्विलेंट है बी सी के इक्विलेंट है तो हमने प्रूव करना है कि ए सी के इक्विलेंट आएगा ठीक है तो हमारे पास गिवन है ए बी टू ए बी के इक्विलेंट है तो हमारे पास एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी एफ ए टू बी पे और बी सी के इक्विलेंट है तो हमारे पास बी से सी पे भी एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी उसको हम क्या ले लेते हैं जी ठीक है एफ़ भी आपकी वन वन में वन वन ऑन टू है और जी भी आपकी वन वन ऑन टू है ठीक है तो वो हमने एक मैपिंग एग्जिस्ट करवाई कंपोजिट कम्पोजाइट मैप एग्जिस्ट करवाया एच इज़ इक्वल टू जी एफ़ ठीक है जी ऑफ एफ ए टू सी ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एफ क्या बन जाएगी वन वन ऑन टू हो जाएगी ठीक है अगर एफ और जी वन वन ओन टू आ रहे हैं तो जी ऑफ एफ़ भी आपकी वन वन ऑन टू आएगी ठीक है तो ए टू सी आपके पास एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है जो वन वन भी है ऑन टू भी है तो दैट इम्प्लाइज ए सी के क्या हो जाएगा इक्विलेंट हो जाएगा ठीक है तो ये रिलेशन आपका क्या बन गया ट्रांसटिव हो गया ठीक है तो नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ दैट एनी टू ओ ओपन इंटरवल्स आर इक्विलेंट दैट एम्प्लाइज ओपन इंटरवल्स ए बी इज इक्विलेंट टू ओपन इंटरवल्स सी डी ठीक है अभी मैंने आपको बताया था कि अभी हम प्रूव करेंगे कि कोई भी आप कोई ओपन इंटरवल लें दो ओपन इंटरवल लें वो आपस में क्या होंगे इक्विलेंट होंगे जैसे अभी हमने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा था कि ओपन इंटरवल जीरो वन वो क्या आ रहा था इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल ए बी आ रहा था ठीक है अब हम आर्बिट्री ओपन इंटरवल ले रहे हैं कोई भी ओपन इंटरवल लो दो ओपन इंटरवल वो हमेशा क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे ठीक है तो यहाँ पे हम मैपिंग क्या डिफाइन कर रहे हैं ये मैपिंग अब डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एफ ओपन इंटरवल ए बी टू ओपन इंटरवल सी डी पे जा रहा है ठीक है तो हमने मैपिंग कैसे डिफाइन करी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी सी जो आपका डोमे कोडोमेन है ठीक है वहाँ से हमने फर्स्ट एलिमेंट लेना है सी सी प्लस डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए ठीक है तो ये मैपिंग आपने याद रखनी है ठीक है अगर आपको कोई भी दो ओपन इंटरवल गिवन हो ठीक है तो आपने इस टाइप की मैपिंग ले लेनी है ठीक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए ठीक है तुम्हारे तो पास ये चीज़ बन जाएगी जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी लिया था ठीक है वहां पे हमने क्या लिया था ओपन इंटरवल हमें क्या गिवन था जीरो वन और ए बी ठीक है तो हमने क्या लिया था वहां पे हम इसको देखते हैं अब कैसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए लिखेंगे सबसे पहले ए प्लस ए लिखा तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बी माइनस ए ठीक है वेट दोबारा लिख लेते हैं हम यहाँ पे हम क्या ले रहे थे जीरो वन है टू ए बी पे जा रहे हैं ठीक है और एफ ऑफ एक्स क्या लिया था हमने इस इक्वल टू क्या आएगा सबसे पहले ए आएगा ए प्लस क्या बन जाएगा आगे बी माइनस ए ओवर वन माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस क्या जाएगा जीरो ठीक है तो ये हमारे पास क्या बन गया जीरो आ गया यहाँ पे तो क्या बन जाएगा ये दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स ठीक है जो भी हमने लास्ट एग्जाम्पल करी है उसमें हमने यही मैपिंग ली थी ठीक है ए प्लस बी माइनस ए इं एक्स ठीक है तो ये मैपिंग इसी यहीं से आई है ठीक है तो ये आपने याद रखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू c plus d minus c ओवर b minus a into x minus a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b ठीक है अब सबसे पहले हम शो करते हैं ये आपका जो हमने f लिया है मैपिंग लिया है वो क्या है वेल well डिफाइन है मतलब आप जो x ले रहे हैं उसकी जो इमेज जा रही है x आप कहाँ से लेंगे ओपन इंटरवल ए बी में से लेंगे ठीक है और उसकी इमेज कहाँ जानी चाहिए ओपन इंटरवल सी डी में जानी चाहिए ठीक है अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपका एफ़ जो है वेल well डिफाइन हो जाएगा ठीक है तो हमने यहाँ पे एक्स लिया एक्स बिलोंग्स टू ए बी तो एक्स अगर आपका ए बी में बिलोंग कर रहा है तो वो किस टाइप का होगा वो ए और बी में लाइक like कर रहा होगा ठीक है तो कैसे लिख सकते हैं एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी ठीक है अब हमने क्या करा ए सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जीरो लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन बी माइनस ए अब हमने यहाँ पे बी माइनस ए डिवाइड करा तो जीरो लेस देन एक्स माइनस ए और बी माइनस ए लेस देन वन ठीक है अब हमने क्या करा डी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दी ठीक है तो जीरो लेस देन एक्स माइनस ए ओवर बी माइनस ए इंटू डी माइनस सी लेस देन डी माइनस सी ठीक है नेक्स्ट हम क्या करें सी ऐड कर रहे हैं ठीक है सी ऐड करा तो सी लेस देन सी प्लस डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए ठीक है डी माइनस सी पहले लिख दिया एक्स माइनस ए बाद में लिखा है ठीक है तो लेस देन डी आ गया तो ये क्या बन गया आपका एफ एक्स ठीक है इसी को हमने एफ लिया था एक्स हम लेके चले थे और इसकी इमेज यही आएगी ठीक है तो c लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन डी तो मतलब x की जो इमेज है वो क्या कर रही है c और d के बीच में एलाई कर रही है तो दैट इम्प्लाइज f जो हो गया आपका वेल well डिफाइंड हो गया ठीक है तो नेक्स्ट हमने f को क्या प्रूव करना है वन वन प्रूव करना है वन वन के लिए हम दो एलिमेंट लेंगे एक्स वन एक्स टू कहाँ से ओपन इंटरवल ए बी में से ठीक है और उनकी इमेज को क्या रखेंगे इक्वल रख देंगे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इमेज इक्वल रखी तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ठीक है तो एफ आपका वन वन बन गया तो नेक्स्ट हमने ओन टू प्रूव करना है ओन टू के लिए हम जो वाई लेंगे वो कहाँ से लेंगे ओपन इंटरवल सी डी में से लेंगे ठीक है वाई आपका सी डी में बिलोंग कर रहा है तो वाई लाइज बिटवीन सी टू डी ठीक है सी सब्ट्रैक्ट करा तो जीरो लेस देन वाई माइनस सी लेस देन डी माइनस सी अब डी माइनस सी से डिवाइड कर दिया ठीक है डी माइनस सी से डिवाइड करा तो आपके पास क्या बन गया जीरो लेस देन वाई माइनस सी और डी माइनस सी लेस देन वन ठीक है अब बी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है फिर ए ऐड कर दिया तुम्हारे तो पास क्या बन गया ए लेस देन ए प्लस बी माइनस ए ओवर डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी लेस देन बी ठीक है अब इसको हम क्या नाम दे देंगे एक्स दे देंगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए ओवर डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी ठीक है अब हम इसकी इमेज निकालेंगे एफ ऑफ एक्स वो इमेज आपके पास क्या आएगी वाई ठीक है तो दैट इम्प्लाइज एफ़ जो आपका बन गया वो क्या बन गया ऑन टू तो एफ आपका बाइजेक्टिव हो गया हैंस ओपन इंटरवल ए बी इज इक्विलेंट टू ओपन इंटरवल सी डी ठीक है या ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि कोई भी आप दो इंटरवल ले रहे हैं कोई भी दो ओपन इंटरवल ले रहे हैं वो क्या आ रहे हैं इक्विलेंट आ रहे हैं ठीक है नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं हमने सेकेंड एग्जाम्पल करी थी जैसे यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है आर्टिकल नंबर फोर करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं आर्टिकल नंबर थ्री अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर टू के ऊपर ठीक है कैसे जैसे हमने प्रूव करा था कि 0, 1, था, A, जीरो वन ओपन इंटरवल था वो ए बी के इक्विलेंट आ रहा है मतलब कोई भी ओपन इंटरवल वो ज़ीरो वन के इक्विलेंट आ रहा था ठीक है तो ए बी आपका जीरो वन के इक्विलेंट होगा और सी डी भी आपका जीरो वन के इक्विलेंट होगा ठीक है और ये रिलेशन आपका क्या है इक्विलेंस रिलेशन है इक्विलेंस रिलेशन है हमारे पास क्या बन जाएगा तो ए बी सी डी के इक्विलेंट हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपके पास ये हिंट गिवन है ऐसे भी कर सकते हैं आप ठीक है तो नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री ठीक है ये बिल्कुल सेम है गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रॉपर सबसेट ए ऑफ ए सेट बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी ठीक है प्रॉपर सेट की बात करें ठीक है गिवेन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रॉपर सबसेट ए ऑफ ए सेट बी ठीक है सच दैट ए इज इक्विलेंट टू बी यहाँ पे हम हमें गिवन क्या है कि ए क्या है प्रॉपर सबसेट है किसका बी का और ए और बी क्या रहे आ रहे हैं इक्विलेंट आ रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देनी है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट हो और वो क्या हो इक्विलेंट हो ठीक है तो यहाँ पे हम ओपन इंटरवल की ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ए को हम क्या ले लेते हैं कंसिडर एट ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल जीरो वन और बी को क्या ले लेते हैं सुपर सेट लेते हैं इसका कोई भी ले सकते हैं आप ठीक है बट आपका जो ए सेट है वो इसमें क्या करना चाहिए बी में बिलोंग करना चाहिए ठीक है कंटेन करना चाहिए ए आपका बी में कंटेन होना चाहिए ठीक है तो ए आपका क्या ले रहे हो जीरो वन ले रहे हो तो बी उसने क्या ले लिया माइनस वन टू वन ठीक है तो जैसे आर्टिकल नंबर फोर में आपने क्या रखा था मैपिंग डिफाइन करी थी उसी टाइप की हम मैपिंग वही मैपिंग हम यहाँ पर फॉलो करेंगे तो हमारे पास एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा? 2X 1 आ जाएगा टू एक्स माइनस वन आ जाएगा ठीक है वैसे ही ए बी सी डी लेके आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा टू एक्स माइनस वन ठीक है तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एफ को शो करेंगे वन वन ऑन टू ठीक है एफ़ आपका वन वन ऑन टू हो जाएगा क्लियर सेम जैसे हमने आर्टिकल नंबर फोर में करा है ठीक है वन वन ऑन टू करने के बाद तो आपके पास एक रिलेशन आ गया एक मैपिंग आ गई जो वन वन ऑन टू आ रही है ठीक है ए टू बी तो दैट इम्प्लाइज ए बी के क्या हो रहा है इक्विलेंट हो रहा है ठीक है तो ए क्या है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है ठीक है तो यही हमने प्रूव करना था कि कोई प्रॉपर सबसेट जो है ए ऑफ सेट बी वो क्या है इक्विलेंट आ जाए ठीक है दस ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी सच दैट ए इज़ इक्विलेंट टू बी